हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन टू आर चैनल सुनील कुमार क्रिएटिव स्टाइलिस्ट। आई एम सुनील और आज है हमारा न्यू सीरीज का लेसन 12th और आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिम्पिंग एंड कर्व्स पैटर्न वेरिएशन के बारे में। ओके, सो न्यू सीरीज लेसन 12th और बात करेंगे क्रिम्पिंग एंड कर्व्स पैटर्न वेरिएशन के बारे में। अच्छा, क्रिम्पिंग का गाइस हमने बहुत डिटेल वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, लास्ट जो वीडियो आपने देखी होगा लेसन 11, सो उसमें हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया था कि क्रिम्पिंग के लिए, इफ़ यू वॉन्ट watch that video, so definitely you can check out from there. अगर आपको लगता है कि क्रिम्पिंग की एक और वीडियो मैं आप लोगों को बना के दूं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स कि मुझे क्रिम्पिंग की वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, नहीं तो एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, नहीं तो अगर आप बोलोगे तो डेफिनेटली विल मेक अगेन फॉर यू ऑल। सो आज हम बात करेंगे क्रिम्पिंग की, ऑलरेडी आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। और आज हम बात करेंगे कर्ल्स पैटर्न वेरिएशन की। ओके, बहुत सारे कर्ल्स के पैटर्न होते हैं। अभी जो आप स्टार्टअप करोगे यार, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हो सकती हैं, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह के कर्ल्स के पैटर्न आते होंगे, बट एज़ अ स्टार्टअप, एज अ बिगनर जो आप कर्ल्स करते हैं उसके लिए भी हम आज बात करेंगे और उसमें क्या है क्या नहीं है उसके लिए भी हम बात करने वाले हैं। एंड दूसरा जो है हमारे पास क्लैंप पैटर्न, क्लैंप पैटर्न के लिए आपको कौन सा टोंग यूज़ करना उसके लिए भी हम बात कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले जो होता है आपका नॉर्मल कर्ल्स, नॉर्मल कर्ल्स मीन्स जो हम रोलिंग टेक्निक से बनाते हैं, दिस इज़ अ रोलिंग टेक्निक। अब आप बोलोगे सर रोलिंग टेक्निक क्या है, रोलिंग टेक्निक मीन्स बाल को जस्ट रोल करना। आप ये आपका सपोज कर्लर है एंड कर्लर में आप बाल को पूरा बांध देते हो, यू आर जस्ट रोटेटिंग, मीन्स आप उसको घुमा रहे हो, जस्ट रोल कर रहे हो, तो यू आर जस्ट रोलिंग। तो आपने उसको रोल करके एंड जस्ट होल्ड करना है, आप उसको 10 से 12 सेकंड तक होल्ड कर सकते हो, आफ्टर दैट यू हैव टू लीव दैट सेक्शन एंड आपका कर्ल्स जो है पूरा आ जाएगा विद अ यूजिंग रोलिंग टेक्निक। तो जो आपका सिंपल वेव कर्ल्स या आप कह सकते हैं दैट लाइक स्पायरल कर्ल्स कैसे बनाना है, स्पायरल मीन्स ऐसे आता है आपका, तो स्पायरल कर्ल्स मीन्स इट विल कम लाइक ऐसे एंड ऐसे, ये आपके स्पायरल कर्ल्स हो गए और ये आपके स्प्रिंग टाइप ऑफ कर्ल्स हो गए जो कि हम क्लैंप पैटर्न से बनाते हैं। ये ज़्यादा थोड़ा टाइट आते हैं, ज़्यादा थोड़ा लॉन्ग लास्ट करते हैं, इसमें लुक भी थोड़ा अच्छा आता है, वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा आता है एंड इट विल स्टे लॉन्ग ऑल्सो। ठीक है, सो दोनों में फ़र्क क्या है, अगर आप रोलिंग टेक्निक से बनाते हो तो कर्ल्स बनाना इजी है, बट क्या होता है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं चलता अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो। अगर आप क्लैंप पैटर्न से कर्ल्स बना रहे हो तो उन पे पहली बात वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा, दूसरी बात लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा मिलेगी, थर्ड थिंग लुकिंग वाइज ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आएगा। सो इसमें ज़्यादा बेनिफिशियल है, लॉन्ग लास्ट भी चलेगा जो कि क्लाइंट को चाहिए, लुक भी ज़्यादा अच्छी आती है और आपके बाल हैवी भी लगते हैं, ज़्यादा भी लगते हैं, सो बहुत सुंदर लगता है फ्रॉम द बैक एरिया। एंड ये आपकी नॉर्मल रोलिंग टेक्निक है, बट हर क्लाइंट का टेस्ट अलग है, आपको कर्ल्स बना के उसको पहचानना है कि हम किस कर्ल्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। या क्लाइंट कोई पिक्चर लेके आता है तो आपने देखना है कि कौन सा कर्ल्स कैसे बना हुआ है, आप उसको देख करके पहचान पाओगे एंड आप इसी टेक्निक का यूज़ करके फिर आप अपने क्लाइंट को जैसा कर्ल्स क्लाइंट मांग रही है वैसा आप दे सकते हो। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ओनली टू टाइप्स ऑफ कर्ल्स विद यूजिंग रोलिंग टेक्निक एंड सेकेंड इज क्लैंप पैटर्न बट आउटवर्ड। अब आउटवर्ड में इसमें दो हैं, आमने सामने, मीन्स आप कह सकते हो दो होते हैं, एक तो होता है टूवर्ड्स टू फेस, जो फेस की तरफ जा रहा है, मीन्स उसका फेस जो है टूवर्ड्स टू फेस है, और एक है आपका अवे फ्रॉम फेस, हम इसे कहते हैं इनवर्ड और ये होता है आउटवर्ड। सो हम इसको बोलते हैं इन एंड आउट। अभी हम आउटवर्ड के लिए बात करेंगे, फिर आगे की वीडियोज़ में आपके इनवर्ड के लिए हम बात करेंगे, और भी अभी कर्ल्स के बहुत सारे पैटर्न हैं, बट अभी हमने केवल ये दो ही हम अभी कवर कर रहे हैं। और हाँ गाइस, आप सभी लोगों ने प्रैक्टिस भी करना है और आप अपना किया हुआ वर्क मुझे इंस्टाग्राम पे आप टैग कर सकते हो, ये हमारा पेज है सुनील कुमार हेयर स्टाइलिस्ट के नाम से, आप मुझे टैग करें, सो मैं देखूंगा वहाँ पे आपने कैसा किया है। डेफिनेटली अगर आपने अच्छा किया होगा, आप सही बढ़ रहे होंगे, तो विल शेयर इन आर स्टोरी ऑल्सो, या आप एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना लो जैसे रील्स बनाते हैं ना आप, तो आप मुझे टैग कर सकते हो, अगर वो अच्छा होगा डेफिनेटली विल शेयर डेफिनेटली, बट आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। देखो गाइज, ये नई सीरीज स्टार्ट हुई है बट इसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आप सभी लोग सीखें, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ ही करना है। जैसे लेसन आता है न्यू सीरीज का, कोई सा भी लेसन आ रहा है, आप उसको प्रैक्टिकल करके देखें तब ही आएगा, या आगे की जो भी हम कमिंग हेयर स्टाइलिंग सिखाएंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे हर एक चीज़। मैं बोलूंगा रोलिंग टेक्निक से बनाया, पता नहीं चला आपको कौन क्या रोलिंग टेक्निक होती क्या है, आप बोलोगे प्लीज़ बताइए वीडियो बनाइए, वो ऑलरेडी बनी होंगी तब, बट आप अभी से उन चीज़ों को ऑब्जर्व करो, नोट करो, अपनी फाइलें बना लो, नोट्स बना लो, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। ठीक है, सो आज हम इन्हीं के लिए बात करने वाले हैं,
और दूसरी बात, अगर आपको ये दोनों कर्ल्स जो हैं वो और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्ट चलाने हैं, तो सेम जैसे कि हमने प्रोडक्ट नॉलेज के लिए बात करी थी, प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट आप लगा सकते हो। जैसे कि अगर आपने मूव्स लगा लिया तो इन दोनों की लॉन्ग लास्टिंग बढ़ जाएगी। ये ऑलरेडी नेचुरली थोड़ा सा कम लास्ट करता है, मीन्स अगर बाई फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाऊँ, अगर ये आपका 5 से 6 घंटे जो है आपका चल रहा है, इनकेस फॉर एग्जाम्पल ओनली, हाँ आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, क्योंकि ये हर टाइप्स के लिए अलग अलग रहेगा। किसी के बाल फाइन है, रिबॉन्डिंग हेयर है, कैरेटिन हेयर है, या किसी का नेचुरली कर्ली फ्रिजी हेयर, या किसी के बालों में नेचुरली कर्ल ज़्यादा स्टे करता है, तो उस पर मूव्स लगाने की नीड ही नहीं है, वो ऑलरेडी ज़्यादा चलते हैं। बट जिन पे नहीं टिकते हैं उन पे आपको मूव्स लगाना है, हर बालों पे नहीं लगाना, ठीक है। जिन पे नहीं स्टे करते देन डेफिनेटली फॉर द लॉन्ग लास्टिंग यू कैन अप्लाई द मूव्स, बट गिले बालों में। नहीं समझ में आया तो आप प्रीस्टाइलिंग की वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मूव्स क्या होता है और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बोला है, मुझे याद है कि आप सर एक वीडियो बना के दिखाइए कि मूव्स एप्लीकेशन कैसे करते हैं, तो डेफिनेटली विल अपलोड द वीडियो फॉर यू ऑल श्योरली। मे बी नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा क्लिप वीडियो भी हम बना दूंगा आप सभी लोगों के लिए कि कैसे उसको अप्लाई करना है, वैसे बहुत ईजी है बट बता दूंगा तब भी। ओके सो राइट नाउ, ठीक है, सो आप मूव्स, सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दीज कर्ल्स, सो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हाँ सो ये है हमारी मॉडल जिसके ऊपर हम आज कर्ल्स के पैटर्न सीखने वाले हैं। सो फर्स्ट हम देखेंगे रोलिंग टेक्निक के साथ में, बहुत इजी है, बहुत आसान है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो जैसा आपको चाहिए, मीन्स जैसा आपको समझ में आता है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं रोलिंग टेक्निक के थ्रू इन एंड आउट, ठीक है, बहुत इजी है। सो ये हमने एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले लिया है, सपोज यू आर डूइंग कर्ल्स फ्रॉम द बैक पॉइंट, यहाँ पे आप 3, 4, 5, 6 सेक्शन, डिपेंड करता है ऑन यू आप कितने सेक्शन में कर्ल्स बनाना चाहते हैं या कितने मोटे कर्ल्स आपको चाहिए। सो हमने ये ऑलमोस्ट इतने सेक्शन हमने निकाल लिए हैं पहले, एंड आई एम जस्ट डूइंग फ्रॉम हेयर, यहाँ से हम कर रहे हैं रोलिंग टेक्निक से, और टोंग मशीन हम यूज़ कर रहे हैं 22 mm का, जो कि आपका रेगुलर साइज है एंड जो कि ज़्यादा यूज होता है इन हेयर स्टाइलिंग में। सो रोलिंग टेक्निक के लिए आपको क्लैम्प की नीड नहीं है, आप विदाउट क्लैम्प भी वर्क कर सकते हो, मीन्स केवल बैरल बैरल हो, ये क्लैम्प बोलते हैं हम इसको, ये क्लैम्प, अगर ये ना भी हो तो भी चलेगा, बट अगर क्लैम्प पैटर्न से बनाना है देन यू नीड दिस क्लैम्प काइंड ऑफ कलर, आपको इस टाइप का कलर चाहिए जिसमें ये क्लैम्प हो, ठीक है। सो रोलिंग टेक्निक में क्या होता है, आपने देख लीजिए गौर से, टोंग नीचे रहेगा, हम ये इनवर्ड कर रहे हैं बट डायरेक्शन इधर आनी चाहिए, ठीक है। सो अभी हम लेफ्ट साइड में कर रहे हैं, टोंग नीचे रहेगा और जस्ट बाल को आपने नीचे से फ्रंट की साइड में रोल करना है। सो आई एम जस्ट रोलिंग एंड जस्ट रोलिंग, एजिस पॉइंट तक आपने इसको होल्ड करना है, ग्रिप करना है अपने इसको, टाइट करके आप इसको पकड़ेंगे। अब आप एक फिंगर से, बिल्कुल मैंने नेल से इसको पकड़ रखा है, आप इसको टच करके फील कर सकते हो कि कितना गर्म हुआ है, डेफिनेटली यू कैन टच हियर, 10 से 12 सेकेंड आपने छोड़ना है, ठीक है। सो चाहे आप काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, या अंदाजे से आपको 10 से 12 सेकेंड छोड़ना, जैसे ये गर्म हो जाता है तो आपने इसको फ्रंट की साइड से ही, हाँ जस्ट लीव, तो आप इसको हल्का सा स्लाइड कर दो एंड क्लैम्प को थोड़ा खोल दो, सो ये अपना आप ही नीचे गिर जाएगा। सो ये आपका कर्ल्स है जो आपने बनाया विथ यूजिंग रोलिंग टेक्निक, ये आपका रोलिंग टेक्निक है बट इनवर्ड से, आपने इसको अंदर की तरफ घुमाया। अब हम अंदर किसको बोलते हैं, इनवर्ड किसको बोलते हैं, जैसे हम ब्लो ड्राई करते हैं ना, तो ब्रश को अगर आपने अंदर घुमाया, मीन्स अगर आप टोंग को ऐसे अंदर की तरफ रोटेट कर रहे हो या अपनी तरफ ऐसे कर रहे हो तो इट्स इनवर्ड, और अगर आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, उल्टा घुमा रहे हो, तो इट्स आउटवर्ड, जैसे कि आप आउट कर्ल बनाते हैं ब्रश को उल्टा घुमाते हैं, तो दैट इज आउटवर्ड, ठीक है। तो इनवर्ड मीन्स अनसाइड, आउटवर्ड मीन्स आउटसाइड, तो ऐसे हम कर्ल को डिफाइन कर रहे हैं कि हम किस कर्ल्स के लिए हम इनवर्ड बोल रहे हैं और किस कर्ल्स के लिए हम आउटवर्ड बोल रहे हैं। अगेन मीन्स अगर आपने, फिर से समझ लो, अगर आपने टोंग अंदर की तरफ घुमाई है, जैसे कि ब्रश है, राउंड ब्रश, आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, फॉर एग्जाम्पल ये ब्रश है, अगर हम इसको अंदर की तरफ रोटेट कर रहे हैं, मीन्स अगर हम इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, सो आई एम जस्ट डूइंग इनसाइड, ये अंदर हो गया, इनसाइड हो गया, और अगर हम इसको ऐसे कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, आउट कर्ल बनाते हैं ना, आउटवर्ड हो गया, सो इट्स इनवर्ड एंड इट्स आउटवर्ड, आया समझ में। चलो सो ये क्या है आपका, इनवर्ड
अपनी तरफ घुमा रहे हैं, तो ये इनवर्ड हो गया और ये हो गया आपका आउटवर्ड। आया समझ? चले एक और देख लेते हैं कर्व्स, इनवर्ड कैसे बनाना है। अगर आप इसमें 6 सेक्शन ले रहे हैं तो 3 सेक्शन इस डायरेक्शन में, 3 सेक्शन उस डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। सो इफ़ यू आर गोइंग टू टेक 6 सेक्शन तो 3 will be this side एंड 3 will be that side, ठीक है, अपोजिट साइड, फेस टू फेस। राइट नाउ अगेन आई एम जस्ट टेकिंग टोंग, टोंग विल बी डाउन, नीचे रहेगी टोंग एंड आपको सेक्शन को जस्ट रोल करना है। सो यू हैव टू रोटेट द सेक्शन, रोल रोल एंड रोल सी एंड आप इसको जस्ट एजिस पॉइंट पे, टेल पॉइंट पे आपने जस्ट इसको ग्रिप करना है, होल्ड करना है। सो इट विल बी लाइक दिस, आप इसको 10 से 12 सेकंड तक आप इसको होल्ड करेंगे। सो जैसे ये गर्म हो जाता है आपको उसको छोड़ देना है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट लीविंग। सो ये आपका दूसरा कर्व्स, नाउ थर्ड, सही से समझ लीजिए, टोंग नीचे है, बैरल आपने नीचे रखा हुआ है, इसको नीचे से फ्रंट की तरफ घुमाना है, ठीक है। जस्ट रोल एंड रोल, आपके हेयर के बीच में हम गैप बहुत कम रख रहे हैं, गैप रखना ही नहीं है आपने, आप इसको पास पास ही रखें तो ये ज़्यादा टाइट बनेगा। और एंडिंग पॉइंट तक, एजिस पॉइंट तक आपने इसको रोल करके रखना है, नहीं तो एजिस पॉइंट क्या रह जाते हैं, स्ट्रेट रह जाते हैं आपकी रोलिंग टेक्निक में। आप डरते हो कहीं गर्म ना लगे या लग ना जाए, ठीक है, केयरफुली कीजिएगा। जो नहीं है, बिगिनर्स है, थोड़ा हाथ भी जल सकता है समटाइम्स, बट आपने क्या करना है, पहली बात क्लाइंट से दूरी बना के रखें, ठीक है। देखो मैं थोड़ा डिस्टेंस में कर रहा हूँ, पहली बात क्लाइंट से दूरी बना के रखें, ठीक है। देखो मैं थोड़ा डिस्टेंस में कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि क्लाइंट से बिल्कुल यहीं रूट से कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस यू हैव टू मेक द गैप ऑल्सो, ताकि आपके हाथ के मूवमेंट के लिए जगह मिले। नाउ आई एम जस्ट लीविंग, फ्रंट की साइड से आपने इसको खोल देना है। सो हमने फ्रंट की तरफ से रोल किया एंड फ्रंट की तरफ से खोल दिया, एंड राइट नाउ आई एम जस्ट डूइंग दैट साइड। तो एक और आपने सेक्शन लिया एंड इसको भी आप सिमिलर टेक्निक से करने वाले हैं। अभी क्या है, रॉड ऊपर है, ठीक है, पहले हमने नीचे रखी थी, अब ये ऊपर है एंड जस्ट रोल। अब हम इसको ये देखिए, अभी भी फ्रंट की तरफ है बट आप ऊपर से कर रहे हैं, पहले हमने उस तरफ से नीचे से किया था, अब आप ऊपर से करेंगे। सो राइट नाउ आई एम जस्ट रोटेटिंग फ्रॉम द टॉप साइड, 1, 2, 3, 4 एंड 5, जितने भी सेक्शन की लेंथ होगी, हेयर की लेंथ, उतने आपके इसमें जो है आपको बार रोल करना पड़ेगा, उतनी बार आपको उसको रोटेट करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा हेयर सेक्शन को। अब आपको उसको होल्ड करना है बिल्कुल, एंडिंग एजिस पॉइंट को भी होल्ड करके रखें आप, और जैसे ये गर्म हो जाता है देन आपने छोड़ देना है। सो इट्स वार्म राइट नाउ एंड इसको छोड़ दो फ्रंट की साइड से। सो दिस इज़ द डायरेक्शन, देखो ये वाला कर्ल्स इधर की तरफ देख रहा है और ये वाला कर्ल्स इधर की तरफ देख रहा है, इट्स गोइंग दैट साइड एंड इट्स कमिंग दिस साइड, ठीक है, ऐसे आमने सामने बराबर बराबर, ओके। अगेन एक बार और देख लीजिए, इस पर आपका जो कर्लर है, टोंग मशीन है, ऊपर रहेगी, ऊपर रखा है तो सेक्शन ऊपर की तरफ से रोल हो रहा है। जस्ट रोल एंड रोल एंड रोल एंड रोल, बहुत ईजी, बहुत सिंपल है, बस सेक्शन को लपेट दो, बांध दो इसको, कर्व्स आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 10 से 12 सेकंड आपने छोड़ना है। सो इसको रखें, आप फिंगर से चेक भी कर सकते हैं, रियल हेयर पे कर्व्स बहुत जल्दी आता है एंड सॉफ्टर भी आते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइट चाहिए तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं विद यूजिंग क्लिप। सो सपोज़ मैंने ये लिया और इसको यहीं पे आपने कोई क्लिप लगा दी, जैसे कि रोलर्स क्लिप आती है, आप उसे लगा सकते हो और जब तक ये ठंडा ना हो इसे खोले ना, तो उससे आपका कर्ल थोड़ा ज़्यादा टाइट भी आएगा और वो खुलेगा भी नहीं। सो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग दैट साइड, ये आपका उस साइड जा रहा है। ये लास्ट सेक्शन, टोंग मशीन ऊपर है, उसको ऊपर से ही रोल करना है, 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 एंडिंग पॉइंट तक आप इसे रोल करें, एजिस पॉइंट स्ट्रेट ना छोड़ें बिल्कुल, आप लास्ट पॉइंट तक, देखो कई बार ऐसे छूट जाता है तो आप उसको फिर एंडिंग पॉइंट को पकड़ लो, नेल से पकड़ लो, फिर घुमा दो उसको टाइट करके, ये छूट जाता है कई बार। सो रोल एंड नाउ जस्ट लीव, तो ये आपने छोड़ दिया। अब देखो आप बोलोगे इसमें एक और चीज़ है देखने लायक, आप समझोगे क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि आप बोलोगे ये कल सर इस तरीके से नहीं आया जैसे कि ये आ रहे हैं। ऑब्वियसली इसलिए नहीं आया क्योंकि ये हमने देर तक होल्ड नहीं किया,
तो जितना देर आप होल्ड करोगे उतना टाइट बनेगा, जितना कम आप होल्ड करोगे या हीट जितनी कम लगेगी वो फिर उतना सॉफ्टर बनेगा। आया समझ में? सो ये बिकॉज ऑफ द हीट आपने ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ा। तो मैं इसको टाइट करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं था। इसको जस्ट रोल कर लेते हैं टाइट करके और ज़्यादा देर तक हम होल्ड करेंगे। सो राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग सिमिलर टेक्निक और इसको हम ज़्यादा देर के लिए होल्ड करने वाले हैं। तो जितना देर आप इसको होल्ड करके रखेंगे आपका कर्व्स उतना ही ज़्यादा टाइट बनेगा। सो जस्ट चेक करते रहें, 10 से 12 सेकेंड आप छोड़ सकते हैं इसे। एंड जैसे ही ये सेक्शन गर्म हो जाता है वैसे आप इसको लीव कर लें। ज़्यादा टाइट चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ रोलर्स क्लिप, हाँ छोटी छोटी स्टील क्लिप आती है ना वो आप लगा सकते हो। अब ये टेक्निक बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है, नए बिगनर्स भी ऑलमोस्ट इसी कर्व्स इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं। देखो हो गया ये टाइट, सो दिस विल बी लाइक दिस, ये गया उस साइड, तो ऐसे आपने करना है। सो अब जो है हम देखेंगे आउटवर्ड क्लैम्प पैटर्न के साथ, अब हम देखेंगे क्लैम्प पैटर्न आउटवर्ड कर्व, ठीक है। क्लैम्प पैटर्न मीन्स हम इस क्लैम्प का यूज़ करने वाले हैं, ये जो क्लैम्प है इसका यूज़ करके आपने आउटवर्ड कर्व बनाने हैं, वो ज़्यादा टाइट आएंगे, वॉल्यूमाइज भी होंगे और ज़्यादा लॉन्ग लास्ट भी चलेंगे। तो राइट नाउ आई एम जस्ट टेकिंग सेकेंड सेक्शन, यहाँ से हम एक और सेक्शन ले लेते हैं। सो ये हमने एक और सेक्शन लिया एंड बाकी के जो हेयर हैं इनको टॉप पॉइंट पे आप सिक्योर कर लीजिए और इस पे भी हम बना लेते हैं कर्ल्स। ओके सो राइट नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल क्लैम्प पैटर्न। हाँ क्लैम्प पैटर्न में क्या होता है, इस पे जो है आपका हम क्लैम्प के साथ में वर्क करने वाले हैं। तो पहले हम सेक्शन डिवाइड कर लेते हैं। सो अभी हम लेफ्ट साइड में कर रहे हैं, हाँ दिस इज़ द लेफ्ट साइड एंड दिस इज़ द राइट साइड। तो इसमें कैसा रहेगा आप लोगों का, सी इस पे जो है क्लैम्प रहेगा नीचे, क्लैम्प विल बी डाउन, इस पे क्लैम्प खोल के काम करना आपने। तो क्लैम्प को ओपन किया, देखो क्लैम्प नीचे है, रॉड ऊपर है, उसके बीच में सेक्शन है आपका एंड इसको आपने सेक्शन को बैकवर्ड बिकॉज ये इधर घूमना चाहिए, सो इसको बैक साइड में डाला एंड जस्ट रोल करना है इसको, इसको रोटेट करना है। अब ये क्लैम्प का आप यूज़ करोगे, सेक्शन को पकड़ा आपने एंड इसको डैप 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 करके नीचे आना है। हल्का सा क्लैम्प को आप ऐसे खोलोगे और नीचे आ जाओगे, चाहे तो आप थोड़ा स्लाइड भी कर सकते हो चाहे, नहीं तो डैप 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 कम डाउन एंड जस्ट रोल द टाउन अगेन। ये यहीं पे चलता रहेगा कॉन्टिन्यूसली, जस्ट रोल डैप 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 कम डाउन एंड जस्ट रोल द टाउन। ये आपका आउटवर्ड क्लैम्प पैटर्न हो गया, क्लैम्प के साथ में आप बना रहे हो, इससे आपका कर्व ज़्यादा टाइट भी आता है एंड ये आपका ज़्यादा हीट लगता है इसमें क्लैम्प के साथ में, बीच में आपका बाल रहता है तो ज़्यादा हीट लगती है एंड कर्व थोड़ा स्प्रिंगी भी बनता है और ज़्यादा वॉल्यूमाइज भी आता है इसमें, ज़्यादा डेंस आता है। सी आप देख सकते हैं, सो दिस इज़ द कर्व्स, इसमें और नीचे वाले कर्व्स में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। सो इट्स कमिंग टाइट, ये बहुत टाइट आ रहा है। तो ऐसे आप इसको बनाएंगे और ये ज़्यादा लॉन्ग लास्ट चलेगा कंपैरेटिव तो इस सेक्शन के कंपेयर में। सो राइट नाउ अगेन आई एम जस्ट यूजिंग सिमिलर टेक्निक, क्लैम नीचे रहेगा, सेक्शन बैकवर्ड की तरफ, जस्ट रोल रोल, ठीक है, डैप 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 कम डाउन एंड जस्ट रोल द टोंग। फिर ये टैप को पकड़ सकते हो आप फ्रंट ऑफ साइड पे, इसको हम नोब कहते हैं, इसे पकड़ सकते हो आप क्योंकि ये गर्म नहीं होता है। क्लैम को प्रेस करना है, टैप 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 एंड जस्ट रोल द टोंग। अब देखो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे जब आप इसको प्रेस कर रहे होंगे, या तो ये क्लैम्प बहुत ज़्यादा खुल जाएगा या तो आपसे ये प्रेस ही नहीं होगा। तो प्रेस जब करना है तो आपने सेक्शन को थोड़ा लूज़ करना है, ठीक है, ताकि ये सेक्शन थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा, देन आप इसको नीचे आके फिर रोटेट कर सकते हो ऊपर की तरफ। एक और करके दिखा देता हूँ, सो सिमिलर टेक्निक से, और इसको खोलना भी बैक साइड से है, मेन सेक्शन यहाँ डाला तो खोल भी हम बैक साइड से ही रहे हैं, सेक्शन को ली भी आपने बैक साइड से ही करना है। नाउ थर्ड सेक्शन, क्लैम्प नीचे रहेगा, सेक्शन बैकवर्ड की तरफ, टेल पॉइंट हेड पॉइंट, बैक साइड फ्रंट साइड, ऐसे आप कह सकते हैं। नाउ क्लैम्प को ओपन किया, देखो हल्का सा ओपन, डैप 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 नीचे आए,
फिर टोंग को घुमा दिया, ऑटोमेटिकली सेक्शन यहाँ आ जाएगा। अब इसको खींच के नहीं करना, मीन्स आपको टोंग को खींच के नहीं रखना, नहीं तो आपसे क्लैंप प्रेस नहीं होगा। तो आपने इसको थोड़ा सा फ्रंट की मतलब क्लाइंट की तरफ जाओगे आप, फिर डब 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 करना है, नीचे आना है, थोड़ा सा लूज करके करना है सेक्शन को, ठीक है। डब 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 डब, कम डाउन, रोल द टोंग, मीन्स थोड़ा सा लूज किया सेक्शन को, फिर डब डब डब, फिर क्लैंप को प्रेस करना है, फिर नीचे आओगे, टैप 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 टैप, नहीं तो ये खिंचेगा नहीं आपसे सेक्शन, ये क्लैंप आपसे प्रेस नहीं होएगा। जस्ट रोल द टोंग एंड लीव। सो कुछ इस तरीके से आपने जो है ये आउटवर्ड कर्ल्स इस डायरेक्शन में आपने बनाए, एंड राइट नाउ हम इसको उस डायरेक्शन में बना रहे हैं। सो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, सो राइट नाउ टेक्निक विल बी सिमिलर। अब इसमें हम उस साइड कर रहे हैं, देखो उसमें क्लैम्प नीचे था, सेक्शन बैकवर्ड की तरफ गया, इस पे क्लैम्प नीचे ही रहेगा बट सेक्शन फ्रंट की तरफ जाएगा। एंड सिमिलर टेक्निक आप रोल करोगे, रोल अगेन, डैप 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 डैप, कम डाउन, फिर रोल द टोंग, डैप डैप डैप, कम डाउन, रोल द टोंग, डैप डैप डैप, कम डाउन, जस्ट रोल द टोंग। इस तरीके से यू विल वॉक, ऐसे आपने काम करना है, सी, एंड जस्ट लीव फ्रॉम द फ्रंट साइड, फिर इसको क्लैम्प को प्रेस करना है ऊपर, ऐसे ऐसे, तो सेक्शन लूज हो जाएगा एंड आप उसको फ्रंट साइड से ओपन कर लोगे। सो ये वाला कर्ल्स इधर की तरफ और ये वाला कर्ल्स उधर की तरफ, कुछ इस तरीके से आपने कर्ल्स बनाने हैं। सो राइट नाउ आई एम जस्ट शोइंग अगेन, ये आप देख लीजिए, क्लैम्प नीचे है, सेक्शन फ्रंट की तरफ है। देखो जो मिस्टेक आप करोगे ऐसे नहीं करना आपने, पहली बात ये ऐसे, एंड जस्ट रोल एंड रोल एंड रोल एंड रोल, ये नहीं करना, दिस इज़ नॉट आउटवर्ड। हाँ, टोंग एक ही जगह पे रहेगी, मीन्स टोंग अपनी जगह पे घूमते रहेगी, सी, डब 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 डब, नीचे आए, फिर रोल द टोंग, यहीं पे आपने रोटेट करना है, डब डब डब, कम डाउन एंड जस्ट रोल द टोंग। तो कुछ इस तरीके से आपने वर्क करना है, ठीक है, एंड डब 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 डब, जस्ट रोल द टोंग, कुछ इस तरीके से आपने वर्क करना है, सेम एंड एग्जैक्टली ऐसे ही आप वर्क करोगे, तभी जो है ऐसा आपका कर्ल्स आएगा। सो दिस इज़ द टेक्निक, इससे आपका कर्ल्स नीट एंड क्लीन भी बनेगा, फ्रिजी भी नहीं होगा और बहुत ही अच्छी लुक आएगी जब आप रियल हेयर पे भी करोगे तो। सो ओके गाइज, ये थे हमारे कर्ल्स के पैटर्न और ये था हमारा लेसन 12th, न्यू सीरीज़ का लेसन 12th। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपने कर्ल्स कैसे बनाने हैं विद यूजिंग रोलिंग टेक्निक एंड विद यूजिंग क्लैम्प पैटर्न। तो कुछ इस तरीके से आपने इन कर्ल्स पैटर्न को बनाना है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन सभी लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल, जो नोटिफिकेशन बेल है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ऐसे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करना है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी लोगों के मैसेजेस देख पाऊँ एंड डेफिनेटली विल शेयर इन आर स्टोरी ऑल्सो एंड मेंशन ऑल्सो कि हाउ आर यू डूइंग गर्ल्स, डेफिनेटली विल रिप्लाई यू ओवर देयर ऑल्सो। सो ओके गाइज, ये था हमारा आज का लेसन 12th। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप सभी लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।